हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 21 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस, टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट बेसिकली कल फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोविड की सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए उन्होंने पब्लिक से अपील करी और पब्लिक से बेसिकली उन्होंने बात करी और कुछ स्टेटमेंट्स दिए एंड इट्स टोटली बेसिकली अबाउट दी वैक्सीनेशन। उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दिमाग में रखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और उन्होंने बताया कि फ्रॉम दी 1 मई अबव द एज ऑफ 18 इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं दे आर अलाउड टू वैक्सीनेट देमसेल्फ। ओके, और अब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट एंटिटीज को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एंटर करने दिया जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन लगेगी, मोदी जी ने ऐसा बोला है। और उन्होंने यह भी बताया कि जो पुअर पीपल हैं, पुअर पीपल परेशान ना हो, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन फ्री लगेगी, कोई अमाउंट नहीं लगेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप वैक्सीनेशन लगवाते हो। एंड एक चीज अबाउट द माइग्रेंट वर्कर्स, तो उन्होंने स्टेट को बोला है और स्टेट को बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अपील करी है, सारे स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अपील करी है कि माइग्रेंट वर्कर्स के इश्यूज को देखना ये आपका काम है। ओके, ये आपका काम है और माइग्रेंट वर्कर्स के बेसिक राइट ब्रीच नहीं होने चाहिए। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग मोदी जी सेड, जो कि फ्रंट न्यूज भी है, फ्रंट स्टेटमेंट भी है, कि लॉकडाउन से हमें बचना है, लॉकडाउन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। ये उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से अपील करी है। उन्होंने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन तो नहीं निकाले वाली, नेशनल वाइड लॉकडाउन तो नहीं होगा, अब स्टेट के ऊपर है। स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाना है तो दे कैन इम्पोज द लॉकडाउन, बट लॉकडाउन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट और हमें लॉकडाउन से बचना है, लॉकडाउन नहीं लगे तो ज्यादा अच्छा है। सो दो तीन चीज और बताएं कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन अब बहुत ज्यादा रैपिडली तरीके से इंक्रीज हो गया है। एंड एक चीज जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बट इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज, कि कल जो डेथ रेट कोविड 19 वायरस से वो 2000 को क्रॉस कर गया। सो इट्स अ फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द कोविड 19 की हिस्ट्री में कि एक दिन में 2000 से ज्यादा डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोविड 19। सो जस्ट नोट इट डाउन, कि आपको कहीं आपको नोट करना है कि 2000 का मार्क भी क्रॉस कर चुका है इंडिया कोविड 19 की डेथ का इन अ वन डे। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, सो इट्स बेसिकली अबाउट दी हाईकोर्ट। सो हाईकोर्ट ऑर्डर फॉर लॉकडाउन इन 5 यूपी सिटीज स्टेड बाय टॉप कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, अलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर दिया था कि 5 सिटीज, यूपी की 5 सिटीज में जिसमें लखनऊ भी है, वहां पर आप लॉकडाउन इम्पोज करो। लेकिन जो अपेक्स कोर्ट है कंट्री का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया और बोला गया कि हाईकोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाईकोर्ट का काम नहीं है कि किसी स्टेट में या किसी सिटी में लॉकडाउन इम्पोज करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है और स्टेट गवर्नमेंट खुद देखिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार है, थोड़ी वर्स कंडीशन है, तो वहां पर लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाईकोर्ट इम्पोज नहीं करेगा लॉकडाउन। जरूर अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है तो उसको हम लॉ कंसिडर करते हैं। इंडिया में यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट ने कोई लॉ दिया तो अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 144 हम उसको लॉ कंसिडर करते हैं। बट आप आप लॉ बना नहीं सकते, आपके जजमेंट को लॉ कंसिडर किया जाएगा बट यू कैन नॉट इम्पोज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यू कैन नॉट मेक द लेजिस्लेटिव लॉ या लेजिस्लेटिव एक्ट। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो वही बात दिल्ली की बात है कि दिल्ली में देखा जाए तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मतलब अराउंड हॉस्पिटल्स है जहां पर 4 to 5 आवर्स की ऑक्सीजन ही बची हुई है। तो वही केजरीवाल ने सेंटर से अपील करी है कि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी डिलीवर कराया जाए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अगेन तो इट्स अबाउट हाईकोर्ट, इट्स अबाउट दिल्ली हाईकोर्ट। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया एंड इन द जजमेंट सेड कि हमें इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन यूज नहीं करना है, उसको हमें बैन करना है। उन्होंने एक सेंटेंस भी दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैन नॉट ओवरराइड लाइव्स, अदरवाइज वी आर वेटिंग फॉर द मच बिगर डिजास्टर। सो इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि अगर आप इंडस्ट्रियल
ऑक्सीजन को यूज करोगे, इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को यूज करोगे तो जरूर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो इसी के चलते ऑर्गेनिक या नेचुरल ऑक्सीजन आपको यूज करना है, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर में आता है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमें यूज नहीं करना, जरूर इकोनॉमिक वेलफेयर होता है इससे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बट दे कैन नॉट ओवरराइड द लाइफ ऑफ अ पब्लिक और सिटीजन ऑफ अ कंट्री। मूविंग फर्दर, सो बेसिकली इट्स अबाउट जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी है, तो कॉमर्स सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दिया। अब स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि हमारे जो यूएस करेंसी वॉचलिस्ट, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को, इंडिया एज अ कंट्री को बेसिकली वॉचलिस्ट में डाल दिया गया है कि इंडिया करेंसी मैनुपुलेटर है, मतलब करेंसी को मैनुपुलेट करती है। तो यूएस ऑफिशियल्स इंडिया को देखेंगे, इंडिया के ऑफिशियल्स को देखेंगे और इंडिया को करेंसी को देखेंगे कि कहीं इंडिया की करेंसी को मैनुपुलेशन तो नहीं हो रहा है। अब मैनुपुलेशन के बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है। अब मैनुपुलेशन का समझते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं अराउंड, अभी की बात करें तो इट्स अराउंड 75 to 76, 78 रुपीज पर डॉलर अभी चल रहा है। अगर रुपी इंक्रीज हो गया तो बहुत सारे इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाती है इंडिया में और कुछ चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो वही यूएस ने बोला है कि इंडिया एज अ कंट्री और इंडिया के बहुत सारे लोग इंडिया की इंडियन करेंसी को मैनुपुलेट करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं, कभी इंक्रीज करते हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। तो इसी के चलते हम इंडिया को वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं कि आगे चलकर हम ये देख सके कि इंडिया कहीं करेंसी को मैनुपुलेट तो नहीं कर रही। ओके, तो इसी को लेकर स्टेटमेंट दिया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कि दिस इज नॉट लेजिटिमेट, यूएस गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बेसिकली रीजन भी बताया कि यूएस ने हमें क्यों वॉच लिस्ट में डाला है। मूविंग फर्दर, तो दिस समथिंग अबाउट सिटी, तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्किप दिस सिटी न्यूज। मूविंग फर्दर टू द रीजनल न्यूज, सो ऑन द रीजनल न्यूज, सो इट्स अबाउट द हरियाणा। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे एक तो स्टेट में कोई भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल भरपूर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, एंड हम कोई भी लॉकडाउन इंपोज नहीं करेंगे इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। मूविंग फर्दर टू द अनदर रीजनल न्यूज अबाउट साउथ, सो व्हाट हैपेंड, तो केरला में बेसिकली नाइट कर्फ्यू लग गया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग गए कि नॉन एसेंशियल जो चीजें हैं लाइक सिनेमा, जिम, ये सब चीजें बंद कर दी, और साथ साथ जो नॉन एसेंशियल ट्रेवल है, मतलब लोग ट्रेवल करते हैं घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए या फिर किसी रिलेटिव के जाने के लिए, उसको डिस्करेज करने की बात करी है। एंड अनदर थिंग, एक रिस्ट्रिक्शन और, कि इलेक्शन के जब रिजल्ट डे आएगा उस दिन क्राउड अलाउड नहीं होगी। मतलब आप रैलीज में अलाउ करते हो, बट जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट है उस दिन क्राउड का अलाउ नहीं कर रहा है केरला गवर्नमेंट। मूविंग फर्दर, सो वी आर डायरेक्टली मूविंग टू आवर एडिटोरियल पेज। सो फर्स्ट एडिटोरियल इज बेसिकली अबाउट द कार्बन नेट जीरो। सो कार्बन नेट जीरो न्यूट्रलिटी के ऊपर अपने बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कस भी किए और अपने उनको इन डेप्थ भी समझा कि कार्बन नेट जीरो होता क्या है, कार्बन एमिशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ये चीज अपन ने समझी है। नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या है, ये कैसे अचीव करना है, ये भी मैंने समझाया। तो इट्स बेसिकली रिपीटेटिव एडिटोरियल। तो जब रिपीटेटिव एडिटोरियल आ जाता है तो उसका एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि वही सेम बात की गई होगी जो हमारे पुराने एडिटोरियल में अपन ने एनालिसिस समय समझा होगा। सो वी आर स्किपिंग दिस एडिटोरियल एंड द सेकंड एडिटोरियल जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स अबाउट मैनेजिंग एन अपहीवल, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अबाउट द यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑथर ने यही बताया कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शन, सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएंगे, सबको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। बट इंडिया ने जरूर अलाउड कर दिया है फर्स्ट मई से अबव द एज ऑफ 18 कि आप वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हो, बट अभी भी इंडिया बहुत दूर है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के गोल को अचीव करने को लेकर। ओके, तो अपन उसको डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जो ऑथर ने बताई है जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे जब इस एडिटोरियल पे आएंगे। सो दिस इज समथिंग अबाउट रिटन बाय द जयवीर शेरगिल, जो कि कांग्रेस के वन ऑफ द स्पोक पर्सन है, तो वही पॉलिटिकल इंक्लाइंड है तो हमें नहीं पढ़ना है। एंड दिस इज समथिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, के यूरोप के कुछ
20 टॉप जो टीम्स हैं, जैसे आईपीएल में टीम्स होती है वैसे ही यूरोप में फुटबॉल टीम्स हैं, लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल. तो इन द कोविड 19 की सिचुएशन में उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग खुद एक फंड इकट्ठा करेंगे, हर क्लब एक फंड देगा और हम लोग खुद एक यूरोपियन लीग या यूरोपियन कप ऑर्गेनाइज करेंगे खुद से. तो बस ऑथर ने बेसिकली क्रिटिसाइज किया कि कोविड 19 सिचुएशन में जहां पर पब्लिक के पास पैसा नहीं है, जहां पर गवर्नमेंट सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही, और वहीं जो यूरोपियन क्लब्स हैं ये मिलियन डॉलर्स, 100 मिलियन डॉलर्स या 600 मिलियन डॉलर्स की बातें कर रही है और एक नए ऑर्गेनाइजेशन और एक नए एंटरटेनमेंट या हम बोल सकते हैं एक नए लीग की तरफ फॉरवर्ड हो रही है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. सो हम स्किप करना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये. सो दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माउस, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे. एंड द सेकंड वन इज अबाउट द सेम ओल्ड रूट लर्निंग, उसको भी अपन डिस्कस करने वाले. तो बेसिकली इज अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी. सो मूविंग टू आवर फर्स्ट एडिटोरियल, इज अबाउट द मैनेजिंग एंड अपहीवल. तो दिस समथिंग अबाउट यूनिवर्सल वैक्सीनेशन. तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी तक वैक्सीन सिर्फ 45 अबव द एज ऑफ 45 लोगों को लग रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी कल आए और उससे भी पहले गवर्नमेंट ने बेसिकली अनाउंस कर दिया था, क्लैरिफाई कर दिया था कि फर्स्ट मई से अबव द एज ऑफ 18 हम लोग वैक्सीनेशन सबको प्रोवाइड करेंगे. अबव द एज ऑफ 18 सबको वैक्सीनेशन लग जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री लगेगी. अगर आप प्राइवेट लगवानी है तो अमाउंट लगेगा, बट लेस अमाउंट लगेगा. देन ऑथर ने आगे लिखा कि वी आर मूविंग टूवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये भी होता है कि आपको यूनिवर्सल हेल्थ केयर. तो अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर के अंदर यूनिवर्सल वैक्सीन भी आता है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी आता है. तो क्या इंडिया यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को या यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को अचीव कर रहा है या उस गोल की तरफ बढ़ रहा है? तो ऑथर ने यही लिखा कि नहीं, अभी नहीं बढ़ पा रहा. रीजन भी अगर देखा जाए इंडिया के पॉपुलेशन ऑफ द एज ऑफ 18 इन अ कंट्री ऑफ इंडिया और वहीं प्रोडक्शन देखा जाए वैक्सीनेशन का, तो अराउंड 1/3 का रेशियो है. 1/3 का रेशियो मतलब तीन लोगों पे एक वैक्सीन है. तो अगर हमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के जो गोल को अचीव करना है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्राइवेट एंटिटीज को, हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, हमें प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज को परमिशन देनी पड़ेगी कि वो वैक्सीन बना सके और बहुत सारी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ कर देना चाहिए. अभी इंडिया में बेसिकली दो थी, अब तीन हो चुकी है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड रिसेंटली अभी रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5, उसको भी अलाउ कर दिया गया है. ओके, सो ऑथर का यही कहना है कि अगर हमें यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के गोल को अचीव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें जो करना है वो यही है कि हमें वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और वैक्सीन को इतना ज्यादा ट्रस्टवर्थी बना दो पब्लिक में कि पब्लिक डरे ना वैक्सीनेट कराने के लिए. क्योंकि अभी पब्लिक के अंदर बहुत फियर है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे निकले हैं जहां पर बताया गया कि लोगों को जब वैक्सीनेशन लगी तो लोगों की डेथ हो गई या फिर लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रिकॉशन हुए या फिर ऐसे केसेस भी निकले हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड-19 फिर से हो गया, कोविड-19 का वायरस फिर से उनको इन्फेक्ट कर गया. ओके, चौथर का यही कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीन के मतलब जाना पड़े, अगर हमें जाना है, अगर उस गोल को अचीव करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत जल्दी इंक्रीज हो. नाउ द सेकंड एडिटोरियल, इट्स बेसिकली अबाउट द लॉन्ग बैटल अगेंस्ट द माओइस्ट. सो देखा जाए तो वही बात कि 3 अप्रैल को एक अटैक हुआ था, माओइस्ट ने अटैक किया था सुकमा, एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में वहां पर, जिसमें 22 आर्मी पर्सनल, सीआरपीएफ पर्सनल्स की डेथ हो गई थी. एंड सीआरपीएफ के साथ साथ कोबरा के भी लोग थे, मतलब कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जो कि सीआरपीएफ का ही विंग है. एंड 15 जवान थे, 15 पर्सनल थे छत्तीसगढ़ पुलिस से, और एक बेसिकली सीआरपीएफ के जवान मतलब कोबरा के पर्सनल को, जो कि राकेश्वर सिंह मिनास, उनको हॉस्टेज बना के रख दिया गया था. एंड वही बताया गया कि माओइज्म को कैसे हम टैकल कर सकता है, गवर्नमेंट कैसे टैकल कर सकती है. तो अभी जो इंसिडेंट हुआ 3 अप्रैल को इंसिडेंट यही हुआ था कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बन रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जिसको माओइस्ट ने पहले प्रोटेस्ट भी किया, बट जब माओइस्ट की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने माओइस्ट ने अटैक किया, और जिसमें 22 आर्मी पर्सनल्स और छत्तीसगढ़ पुलिस इंक्लूडिंग
उन लोगों की डेथ हो गई। अब माउस्ट ने ऐसा अटैक क्यों किया, माउस्ट का देखा जाए तो माउस्ट जिस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा था वो उनका लिविंग एरिया था, मतलब वो टेराइन में रहते हैं, टेराइन मतलब बीहड़ जिसको हम बोलते हैं ना, बीहड़ में रहते हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं होती कि एक तो वहां पर छुपना आसान होता है, वहां पर पकड़ना भी बहुत मुश्किल है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन कहां छुपा हुआ है। इसी के चलते माउस ने फायदा उठाया और 22 जवान की डेथ भी हो गई। तो उनका सिंपल सा फंडा है कि आप हमारे राइट्स को ब्रीच नहीं करेंगे। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल कैसे करे। जरूर अगर हम बात करें नक्सलाइट अटैक्स की, माओइज्म की, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट उनकी आइडियोलॉजी होती है, तो जरूर कम हुआ है। अगर हम देखा जाए तो इसका जो मेन ईयर था जिसने हाईएस्ट टच कर दिया था माओइज्म को, लेफ्टिज्म को, एक्सट्रीम लेफ्टिज्म को, वो ईयर था 2004। फिर 2004 के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। देन इन द ईयर 2010-2013 में जरूर दो इंसिडेंट ऐसे हुए, एक इंसिडेंट में जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े मेजर लीडर की डेथ हुई। देन इन द ईयर 2013 में एक सीआरपीएफ की बस पूरी ब्लास्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द नक्सलाइट अटैक, एंड देन अभी का इंसिडेंट। तो धीरे धीरे इंसिडेंट कम होते जा रहे हैं और वो रेड एरिया जो इंडिया के मैप पे था, जिसमें मनमोहन सिंह ने खुद बोला था कि दिस इज अबाउट इंटरनल टेररिज्म, माओइज्म इज द इंटरनल टेररिज्म और उसमें कंट्रोल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उस पर गवर्नमेंट ने वर्क किया, कांग्रेस ने वर्क किया, यूपीए गवर्नमेंट ने वर्क किया, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी सबने वर्क किया और धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से माओइस्ट एलिमिनेट नहीं हुआ। अब ऑथर का कहना है कि नॉन वायलेंट, मतलब अगर देखा जाए नॉन वायलेंस एक तरीका है कि माओइज्म को रोका जा सकता है, एक्सट्रीम लेफ्टिज्म को रोका जा सकता है। मतलब माओइज्म अगर नक्सलाइट अटैक करते हैं, नक्सलाइट वायलेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भी वायलेंट होकर उसको रिटेलिएट करें और माओइज्म या नक्सलाइट्स को एलिमिनेट कर दें। हमारे पास अगर सबसे सेफ जो रास्ता बचता है, सबसे सेफ जो वे है, वो है नॉन वायलेंट पाथ। अब नॉन वायलेंट पाथ के लिए बहुत सारे फंडे हैं, आपको कुछ चीजें लेके साथ में चलनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो ये जो आर्टिकल लिखा है इसमें एक वन ऑफ द पुलिस ऑफिसर भी है, ओके, ही इज द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। तो उन्होंने भी बताया है कि देखा जाए तो आर्मी पर्सनल्स और पुलिस पर्सनल्स के पास कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिलते जिसके चलते उनको टैकल करना बड़ा डर लगता है, और छत्तीसगढ़ में उनको अगर डिप्लॉय किया जाए तो वो लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर वो जॉब करना नहीं चाहते क्योंकि उनको अपनी लाइफ का डर है। तो ऑथर ने बताया कि देखो वो लोग भी गलत नहीं है, वो लोग भी सही है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई फाइनेंसिंग नहीं करती। फाइनेंसिंग का मतलब अगर हम देखें तो जो सीआरपीएफ के पर्सन होते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग हैं या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस हो जहां पर माओइज्म एंड नक्सलाइट ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है देयर आर मेनी फैमिलीज के वो लास्ट अर्निंग मेंबर हो, ओनली अर्निंग मेंबर हो उस फैमिली का, तो उसको ये अपनी जान का डर नहीं अपनी फैमिली का डर भी होता है। तो गवर्नमेंट को आफ्टर दी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं या डेथ होती है या इंजर्ड होता है तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, लेकिन इंडिया में ना स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लोग जरूर याद रखते हैं एक या दो दिन तक, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ऑथर ने यही सबसे पहले बताया कि फाइनेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करो। देन हमारी कॉम्बैट फील्ड के स्टेट की पुलिसों को देखें तो स्टेट की पुलिस बेसिकली कॉम्बैट फील्ड में बहुत पीछे है। अगर हम कॉम्बैट फील्ड या कॉम्बैट सिचुएशन को स्ट्रेंथन करते हैं तो ये सारी चीजें हम टैकल कर सकते हैं। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कि नक्सलाइट और माओइस्ट अटैक क्यों करता है। उनका मेन फंडा है, उनको लगता है कि हमारे राइट छीन रहे हो। अगर गवर्नमेंट उनके राइट्स ना छीने, गवर्नमेंट उनके जानबूझ के उनके प्रॉपर्टी को कैप्चर ना करे फॉर देयर सम मिनिस्टर्स पर्सनल बेनिफिट, तो शायद हम माओइज्म को जो एक्सट्रीम लेफ्ट की आइडियोलॉजी ब्रीव करते हैं नक्सलाइट्स को समझा सकते हैं और वो लोग सरेंडर कर सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग नक्सलिज्म और माओइज्म को खत्म कर देंगे इंडिया से, जिसको इंटरनल टेररिज्म बोला जाता है। सो मूविंग फर्दर टू आवर नेक्स्ट एडिटोरियल, थर्ड एडिटोरियल, इट्स बेसिकली अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। सो ऑथर ने जो बताया ना, ऑथर ने यही लिखा कि अभी 2020 में एजुकेशन पॉलिसी आई, अब कोविड 19 की सिचुएशन भी आई थी, कोविड 19 सिचुएशन का अब सेकंड वेव भी स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट के पास बहुत टाइम था कि एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म्स ला सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट लेके नहीं आई। बहुत सारे रिफॉर्म्स थे क्योंकि गवर्नमेंट बिलीव ही करती है रोट लर्निंग के ऊपर, रोट लर्निंग का मतलब रेक्टिफिकेशन के ऊपर। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करती गवर्नमेंट तो शायद आज एजुकेशन पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स आते।
क्योंकि 2020 के एजुकेशन रिफॉर्म्स ठीक हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है, गुड नहीं है. उनको वेरी गुड बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत थी और गवर्नमेंट कर सकती थी वो रिफॉर्म्स इन दी कोविड 19 सिचुएशन में, उनके पास टाइम था बट नहीं किया. फिर अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात देखें तो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में तीन आई है. फर्स्ट आई थी 1968 में, जिसमें बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन और बात की गई थी कि 6% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट किया जाएगा एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में. देन सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इट्स अबाउट द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एंड इट्स अबाउट दी के प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, उस पर फोकस किया गया था. एंड थर्ड जो एजुकेशन पॉलिसी आई जो कि अभी है 2020 में, जिसको अपन ने डिस्कस भी किया है बहुत बार, जिसमें बहुत सारी चीजें फोकस किया है ग्रेजुएशन लेवल पर. अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी लेवल मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन, देन सेकेंडरी एजुकेशन, अगर हम ट्वेल्थ तक चले तो ऐसे चलता है. एलिमेंट्री एजुकेशन भी दो में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन एंड सीनियर प्राइमरी. सो प्राइमरी एंड सीनियर प्राइमरी अब हमारा फंडामेंटल राइट बन चुका है, पहले डीपीएसपी में था बट वो फंडामेंटल राइट बन चुका है अंडर द आर्टिकल 21A, जो कि नया आर्टिकल इंक्लूड हुआ था बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि फंडामेंटल राइट है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर बच्चे का हक है, हर इंडियन सिटीजन का हक है और मिलना चाहिए उसको. अब ऑथर ने यही बताया कि जब इतनी सारी चीजें हुई तो गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाना चाहिए था अभी के सिस्टम में. गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था फिजिकल लर्निंग के ऊपर, सॉरी प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर, नॉट ऑन द रोट लर्निंग. एंड बेसिकली उन्होंने एक चीज और बताई, उन्होंने बताया कि मेन जो चीज है ना वो मेन चीज है टीचिंग. इन द एलिमेंट्री एंड इन द सेकेंडरी एजुकेशन सबसे मेन फोकस होता है टीचिंग. बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि ब्राइब देके पैसा देकर टीचर बन गए बट उनको नहीं आता एंड दे डोंट नो हाउ टू एजुकेट द स्टूडेंट्स. तो जो मेन फोकस है वो टीचिंग स्टाफ और साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ का भी होना चाहिए. ओके एंड द मेन फोकस जो ऑथर ने दिया है द वे फॉरवर्ड इज अबाउट द ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर. ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटर टू कंसल्ट एकेडमिक स्टेक होल्डर्स टू फाइंड अ वे एंड फाइंड अ वे फॉरवर्ड. तो उन्होंने यही बताया कि ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और अपने एजुकेशन पॉलिसीज को कैसे बेटर कर सकें. सो जस्ट रीड दिस एडिटोरियल, इट्स अ वेरी सिंपल एडिटोरियल, इट्स अबाउट द एजुकेशन जो कि हमारे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर पढ़ना एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. मूविंग फर्दर, सो कल इंडिया ने बेसिकली अलाउ कर दिया कि बोइंग 737 मैक्स 8S अलाउ है इंडिया की टेरिटरी से फ्लो हो सकता है, फ्लाई हो सकता है, ओवरफ्लाई हो सकता है. इंडिया ने इसको बैन कर दिया था, बोइंग के जितने भी प्लेन्स थे उनको बैन कर दिया था. रीजन भी क्योंकि अभी कुछ सालों में दो क्रैश हुए हैं, लास्ट टू इयर्स में दो एयर क्रैश हुए हैं जो कि जिसमें बोइंग के एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे. इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया था कि भाई बोइंग के एयरक्राफ्ट इंडिया से फ्लाई नहीं करेंगे, इंडिया के टेरिटरी से फ्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट अच्छे नहीं होते और शायद देयर आर चांसेस के उनके एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाए. देन अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरोप की ट्रिप कैंसिल कर दी. रीजन भी क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा केसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड यूरोप में भी बहुत ज्यादा केस इंक्रीज हो रहे हैं. ओके सो अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज बेसिकली अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. सो नॉट सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली अबाउट दिल्ली हाई कोर्ट. तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने, एक जज ने बोला है कि अगर ऑनलाइन कॉन्टेंट मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ ऑफेंडिंग कॉन्टेंट पड़ा हुआ है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा. रीजन बींग क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है, इंटरनेट नेवर स्लीप एंड इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स. ओके अगर 6 साल पुरानी कोई चीज देखनी है तो आप देख सकते हो, चाहे आप उसको ब्लॉग के फॉर्म में देखो या व्लॉग के फॉर्म में देखो, यूट्यूब पे देखो या फिर आप ब्लॉग के फॉर्म में देखो, आप वो हर चीज मिल जाएगी. तो अगर कोई ऑफेंडिंग ऑनलाइन कॉन्टेंट है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफलाइन कंटेंट को तो आप डिलीट कर सकते हो, उसको एलिमिनेट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, बट ऑनलाइन कंटेंट को डिलीट करना बड़ा मुश्किल है. तो इसी के चलते अगर कोई ऑफेंडिंग है तो उसको टोटल तरीके से एलिमिनेट करो कि आगे चलकर लोग ऑफेंड ना हो और उसके ऊपर केसेस ना बने. मूविंग फर्दर, सो देयर इज समथिंग अबाउट दिस पेज, बेसिकली दिस सेकंड नेशनल न्यूज पेज नंबर 9, इट्स टोटली डेडिकेटेड अबाउट द पॉलिटिकल न्यूज. बस एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि पॉलिटिकली है बट कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया है तो भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे.
कांग्रेस ने बोला है कि वन नेशन वन प्राइस, तो इन्होंने यही बोला है कि कोविड 19 की जो वैक्सीनेशन के प्राइसेस है उसमें एक ही प्राइस होना चाहिए, या तो 0 रुपीज या फिर जो भी मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट को लेना है वो गवर्नमेंट ले ले। और उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं अभी की गवर्नमेंट के ऊपर कि अभी की गवर्नमेंट बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेनिफिट पहुंचा रही है अभी इस सिचुएशन में। सो व्हाट हैपेंड, यूएस डिनाइज वैक्सीनेशन इनपुट बैन। सो हुआ क्या, ऐसे स्पेकुलेशन थे कि यूनाइटेड, मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीनेशन की जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको बैन कर दिया था इंडिया में ट्रेवल करने से, इंडिया में आने से, ऐसे स्पेकुलेशन थे। फिर अदर पूनावाला ने स्टेटमेंट दिया और यूएस के प्रेसिडेंट से बात भी करी कि आप वैक्सीनेशन की जो रॉ मटेरियल्स उसको बैन मत लगाएं, क्योंकि यूनिवर्सल वाली थिंग है ये और सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड हो, इसी के चलते आप रॉ मटेरियल बैन मत लगाएं। फाइनली फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया कि भाई यूएस ने कोई ऐसा बैन लगाया ही नहीं था, और हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस बेसिकली यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की तरफ ही है कि सबको वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ऐसे स्पेकुलेशन थे, वो स्पेकुलेशन गलत है और व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे स्टेप कभी ले ही नहीं सकता। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, तो व्हाट हैपेंड, तो जो भारत बायोटेक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन का प्रोडक्शन अब इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। भारत बायोटेक अब इसको इंक्रीज करेगी, मैन्युफैक्चर इंक्रीज करेगी, और उन्होंने ये बताया कि 70 करोड़ डोसेज एनुअली बनाएंगे भारत बायोटेक कोवैक्सीन के। मूविंग फर्दर, तो दिस इज समथिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट से न्यूज नहीं पढ़ना, वी हैव टू स्किप द एडवर्टाइजमेंट न्यूज, सो वी डायरेक्टली मूव टू आवर वर्ल्ड न्यूज। लेट्स सी, सो व्हाट वर्ल्ड न्यूज टॉक अबाउट। सो जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, तो जी जिनपिंग ने बेसिकली कल मीडिया में आकर और बहुत सारी बातें करी, पब्लिक से बातें करी, जैसे कल मोदी जी आए वैसे उन्होंने जी जिनपिंग आए, उन्होंने पब्लिक से बातें करी, उन्होंने यही बताया बेसिकली देखा जाए तो अभी चाइना के ऊपर जो मेन फोकस है ना वो ये है कि बहुत सारी कंट्री चाइना को अपोज कर रही है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड देयर आर सर्टेन अदर कंट्रीज जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, उन्होंने यही बताया कि कुछ कंट्रीज ग्लोबल रूल सेट नहीं कर सकती और हम ग्लोबल रूल से हम उनको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ कंट्री ने बनाए हैं। अब ग्लोबल रूल्स का मतलब होता है कि मेजोरिटी ऑफ दी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड उन रूल्स को बनाए और हम उसको फॉलो करें, बट कुछ कंट्री ने रूल्स बनाए और हम उनको फॉलो करें, दे आर नॉट द ग्लोबल रूल्स, और हमारा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम उन रूल्स को फॉलो करें। ओके, इसी के चलते उन्होंने डिनाई कर दिया कि अभी इन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है और इसी के चलते अभी कोविड 19 भी एक देखा जाए तो बहुत बड़ा डिजास्टर है और एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी दीवार है कि जिसको हमें टैकल करना है, सिचुएशन है कोविड 19 की सिचुएशन है जिसको हमें टैकल करना है। बस साथ साथ देर आर सर्टेन कंट्रीज जो कि चाइना के अगेंस्ट है, हमें उनको भी टैकल करना है, वो भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। ओके, सो जस्ट रीड इट, इट्स अ वेरी सिंपल न्यूज। मूविंग फर्दर, तो देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलिट पर्सपेक्टिव। सो जो चैड कंट्री है, चैड के जो प्रेसिडेंट है इड्रिस डेबी की डेथ हो गई। ओके, आर्मी ने क्लैरिफाई कर दिया और उनके जो लड़के हैं उनका जो लड़का है हिसन को बना दिया गया बेसिकली एक ट्रांजिशनल लीडर और मिलिट्री काउंसिल को हेड करें और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट सबको हेड करने वाले हैं। सो व्हाट हैपेंड, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सारी कंट्रीज रेगुलेट होती है, जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर जितने भी स्पेस साइंस में इन्वॉल्व है जितने भी कंट्रीज। पर रशिया ने फाइनली क्लैरिफाई कर दिया और बोल दिया है कि बाय द ईयर ऑफ 2025 हम लोग अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हम लोग वापस आ जाएंगे। सो अगर देखा जाए तो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये ग्लोबल मतलब वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया ने यूएसआर ने मिलकर बनाया था कि साथ में मिलकर हम लोग स्पेस को एक्सप्लोर करेंगे, बट रशिया ने मना कर दिया, रशिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि बाय 2025 हम लोग खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा और हम लोग वो स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। ओके, सो वी विल मीट टुमारो विद 22nd अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड स्टे सेफ, जस्ट डोंट गो आउट। ओके।